ये आ जाएगा ठीक है। अच्छा ये आपका वहाँ आ जाएगा ठीक है। ये तीन रेटिंग आ गई। अब इसके बाद ये दो रहेगी, ये जो है ना जनरेटर के आउटपुट में, यहाँ से आपने इसकी जो वोल्टेज और करंट आई इस जनरेटर की, वो आपकी यहाँ वोल्टेज और करंट यहाँ से आ जाए ठीक है। समझ रहे हैं कितना काम हो गया सर? ये एक्सियल फ्लो है या रेडियल फ्लो है? ये देखें आप इसमें देखें, इधर से फ्लो आएगा ना, ये इसकी शायद है, घूम रहा है ऐसे है, इसके बिल्कुल जना वर्टिकल आ रही है। तो रेडियल फ्लो इन हो गया और आउट देखें, यहाँ से आउट बाहर जा रहा है, आउट का मतलब है कि एक्सियल हो गया ठीक है। तो ये मिक्स टर्बाइन फ्लो होगी, टर्बाइन होगी, मिक्स फ्लो टर्बाइन, जब ये हम इसके अंदर क्या लगाएंगे, फ्रांसिस टर्बाइन लगाएंगे। अब फ्रांसिस में देखें इसके अंदर फिर जो है ना, ये विकेट गेट कहते हैं, विकेट गेट में आप देखें स्टे वेन्स और गाइड वेन्स होती हैं, ये थ्योरी में पढ़ेंगे। तो स्टे वेन्स और गाइड वेन्स क्या होती हैं, इसमें स्टे वेन्स जो फिक्स होती हैं और गाइड वेन्स ये होती हैं कि वो चेंज कर दीजिए। देखें ये हेड लगा हुआ ना, ये देखें, इससे आप इसके ऊपर प्रेशर एंगल चेंज कर सकते हैं। एक तो वाटर एंगल जो रनर के ऊपर लगेगा ना टर्बाइन पे, उसका एंगल चेंज कर सकते हैं। दूसरा इसका फ्लो रेट, उसके जो आपके आउटपुट पावर, इसे चेंज कर सकते हैं आप, समझ रहे हैं ना। तो ये आपका मैनुअल है, लेकिन ये जो मैनुअल है इसको आप वहाँ गवर्नर सिस्टम लगा होता है। अब सिविल में नेक्स्ट टाइम जाएंगे तो उधर गवर्नर सिस्टम मैकेनिकल लगा हुआ है, अब इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम भी आ गए हैं ठीक है। तो लेकिन इधर ये मैनुअल है, जस्ट समझाने के लिए। तो ये इससे आप इसका एंगल वो चेंज कर सकते हैं और उससे डेफिनेटली एफिशिएंसी चेंज हो जाएगी। ये हो सकता है कि मतलब इनपुट पर पानी आप ज़्यादा डालते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है, पानी ज़्यादा है लेकिन एफिशिएंसी कम भी हो सकती है। वो आप उसको जब तक एडजस्ट नहीं करेंगे प्रॉपर एक्टिव एफिशिएंसी चलाने के लिए, तो ये नहीं है कि बस पानी छोड़ दिया तो बस छोड़ दिया, समझ एंगल पे उसको वो प्रॉपर उसको करना है। तो ये हो गया। अच्छा उसके बाद आप देखें तो ये ड्राफ्ट ट्यूब है, जैसे ही पानी आपका ये चलाएंगे तो एक स्पीड पे जैसे स्पीड चेंज होती है, ये ड्राफ्ट ट्यूब में ना एक होता है कैविटेशन, वो बबल बनते हैं आउटपुट पे। तो आप ये कहते हैं कि इसकी एसी तो फिक्स ही है, लेकिन ये थोड़ी सी जो ड्राफ्ट रियल में होती है वो थोड़ी उसका नीचे एरिया ज़्यादा करते हैं, फिर थोड़ा सा ज़्यादा होता है ताकि उसको जो है ना वो केविटेशन इफेक्ट को ख़त्म कर सके ठीक है। और ये जब ये इसकी स्पायरल केसिंग होगी। और इसके बाद अगर जनरेटर की बात करें तो जनरेटर में आप आएंगे तो ये देखें इधर नेम प्लेट पे डाटा करें, तो ये देखें नेम प्लेट डाटा, ये डीसी जनरेटर है, सिंपल डीसी जनरेटर इसके अंदर। अच्छा डीसी में भी देखें तो देखें ये देखें आपने इसमें उसने लिखा हुआ है टाइप पी डीसी मोटर ठीक है, और कम डीसी जनरेटर, और उसके बाद इसको ऐसा डीसी जनरेटर चला रहे हैं और कमोटेटर और ये सारा उसमें लिखा हुआ डेल ठीक है। लेकिन डीसी जनरेटर के अंदर ये नहीं लिखा इसने कि इसमें शंट मोटर है, वैसे नॉर्मली शंट ही होगी ठीक है, या फिर कंपाउंड भी हो सकती है ठीक है। लेकिन अभी इसकी डिटेल इससे मुझे नहीं आइडिया हो रहा कि भाई इसने कोई कौन सी लिखी है, बस इसका कोड शोड डालेंगे तो उसका। तो इसमें देखें तो ये 0.75 किलोवाट की है और वो तकरीबन 1 HP बनता है। यस सर 1 HP, 1 HP वही होता है ना, 700 कितना होता है, 746 वाट। अच्छा और उसके बाद देखें तो बाकी ये कंटिन्यूस ठीक हो गया। अच्छा उसके बाद ये तो काम हो गया, अब हमने इसको चलाना है, मेरे ख्याल में और हमारे पास कोई खास नहीं रही, और सर चलाएंगे। अच्छा चलाने से पहले